गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मिसलिनियस एक्सरसाइज 5 को पढ़ेंगे। इसके पहले इस चैप्टर की यानी क्लास 12 की कक्षा 12 की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी सांतत्य और अवगुणिता चैप्टर की पहले एक्सरसाइज, दूसरे, तीसरे, ये सभी एक्सरसाइज हो चुका है, इसकी परिभाषा हो चुका है, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज में हमको मिसलिनियस यानी विविध प्रश्नावली को पढ़ेंगे, इस लेक्चर में विविध प्रश्नावली को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक प्रश्न में कह रहा है इसका अवकलन करिए एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करने के लिए कह रहा है। तो डेरिवेटिव कर लीजिए dy / dx इज इक्वल टू पावर, पहले होता है पावर में से एक माइनस कर लीजिए, फिर क्या बनेगा, ये तो रूल है ना, पावर पहले पावर में से माइनस जो भी फंक्शन हो उसे बता देते हैं, फिर इसके अंदर अगर कोई है तो उसका अलग से कर लीजिए। यानी यहाँ पे देखिए 3 है, 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस में 0। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 9, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 9 में से 1 निकालेंगे, पावर पहले पावर में से माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5। यहाँ पे दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, 3 अगर कॉमन ले लीजिए हो जाएगा 2x माइनस 9। अब यहाँ से हो जाएगा 9 3 27 और पहले 2x माइनस 9 पहले इसको लिख लीजिए 2x माइनस 9 और यहाँ से ये जो बच रहा है 3x माइनस 9x प्लस में 5। देखिए यहाँ पावर 8 है, 8 रहेगा, ये इसका आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड में इसको भी मान लीजिए y इक्वल टू कह रहा साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस के पावर 6x। यहाँ भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो क्या जाएगा dy / dx इज इक्वल टू पावर के कारण पावर पहले पावर में से माइनस यानी साइन क्या हो जाएगा 2x, पावर है पावर पहले पावर में से माइनस, फिर साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, यहां से फिर पावर पहले यानी 6 हो जाएगा कास पावर में से एक माइनस 5x, फिर कास का क्या बनेगा माइनस में साइन एक्स हो गया। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन लीजिए और क्या कॉमन दिख रहा है, साइन एक्स कास एक्स कॉमन दिख रहा है, साइन एक्स कास एक्स कॉमन ले लिए, अब एक साइन कॉमन ले लिए बचेगा क्या, एक साइन एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस है, एक साइन एक कास कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा कास, और यहाँ पे 2 है, 3 कॉमन ले लिए 2 बचेगा, कास एक कॉमन ले लिए तो कास की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर, ठीक है। अगला देख लीजिए या फिर से समझा दे, देखिए पावर पहले पावर में से माइनस 2 साइन का कास x प्लस लगा दिए, पावर पहले पावर में से एक माइनस 5 हो जाएगा, फिर कास का क्या माइनस साइन x, साइन कास यहाँ भी है 3 भी है, 3 साइन x कास x कम, एक साइन बचेगा, यहाँ से माइनस लगा दिए 2 का बाद ले लिए कास की पावर 4 हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड जो कह रहा है थर्ड का सर, यहाँ भी y अगर मान लीजिए तो y इक्वल टू फंक्शन के पावर, फंक्शन अगर है तो बिना लॉग के नहीं लगेगा, लॉगरिथम का यूज करेंगे, तो लॉग का यूज करेंगे, टेकिंग लॉग को साइड लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा लॉग में y, या एलियन भी लिखते हैं यहाँ पे की है बेस में, ठीक है, यानी हमेशा लिखा रहता है, नहीं भी लिखे तो भी समझेंगे ई बेस का ही, 5x के पावर 3 cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा log y is equal to पावर पहले 3 cos 2x into log में 5x, log m के पावर m का फॉर्मूला लगा दीजिए पावर पहले, अब यहाँ पावर पहले पावर में से माइनस नहीं log का फॉर्मूला लगाए, अब डेरिवेटिव करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने log y का 1 upon y dy / dx इज इक्वल टू 3 को छोड़ दीजिए, अब यहाँ दो दो फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन को छोड़ दिए u v का फॉर्मूला या f x into g x का फॉर्मूला, f x को छोड़ दिए g x का डेरिवेटिव प्लस में g x को छोड़ दिए f x का डेरिवेटिव, यहाँ cos 2 x को छोड़ दिए log के कारण 1 upon हो जाएगा 1 upon 5 x हो गया, फिर 5 x के कारण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, cos को छोड़ दिए log के कारण 1 upon में फिर 5 x का 5 हो जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे लाग में 5x को छोड़ दे, कास के कारण क्या हो जाएगा माइनस में साइन x यानी साइन 2x हो जाएगा,
इनटू 2x का 2 हो जाए, ये हो क्या जाएगा 5 से देखिए 5 कैंसिल हो जाए, 3 बाहर है, यहां पे cos 2x ओवर में x है, cos 2x ओवर x प्लस है, प्लस नहीं माइनस। अब क्या करेंगे माइनस पहले ला दें, ठीक है ना। अब यहां से 2 है, 2 पहले लिख दें, sin 2x इनटू log में 5x, अब देखिए यहां पे मेरा काम आ गया तो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा dy / dx इज इक्वल टू 3y cos 2x ओवर में x, इसका अपना मल्टीप्लाई कर माइनस में sin 2x log 5x। अब यहां समझ जाएगा 3y का वैल्यू क्या माना गया है, 5x के पावर में 3 cos 2x, ये हो जाएगा y का वैल्यू यहां से रख दी। अब ये जैसा भी हो सकता है 2x by 2 minus 2 sin 2x log में 5x, ठीक है ना, क्या हुआ इसका आंसर हो जाएगा, या फिर आप आंसर सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करा के दिया होगा दोनों से, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin inverse x के रूप में x है, इसको अगर y मान लिया जाए, x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर करनी है तो dy / dx का क्या होगा, sin इनवर्स के कारण क्या होगा 1 ओवर अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर, जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहां पे ये x स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फिर इसको या फिर इसी को एक लाइन और पढ़ाना sin इनवर्स यहां पे देखिए 1/2 है और x है, ये हो जाएगा 3/2 डायरेक्ट 3/2 पावर हो जाएगा, तो यहां से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहां देखिए 3/2 पहले से स्क्वायर करने का मतलब ये हो जाएगा इनटू, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर पहले और पावर में से एक माइनस यानी 3/2 - 1। अब यहां से बनेगा कि क्या देखिए 3/2 इधर हो गया 3/2 हो जाएगा, ये तो बनेगा x के पावर कितना बनेगा x के पावर 3/2 3 - 2/2 इस तरीके से हो जाएगा, एलसीएम ले लिए यहां क्या बनेगा अंडर रूट में ये इससे कैंसिल हो पर ये 1 - x क्यूब हो जाए, तो यहां से लिख सकते हैं 3/2 और x के पावर कितना हो जाएगा 3 - 1 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट में होता है डिवाइड में अंडर रूट में 1 - x क्यूब हो गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 ऊपर भी नीचे दोनों जगह अगर अंडर रूट में है तो x ओवर में 1 - x क्यूब हो जाएगा, ये डिवाइड ओवर ले जाएगा इसके डेरिवेटिव का ही है, ठीक है ना, दोनों जगह अंडर रूट है इसलिए ऐसा। अगला क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है, 5 में भी डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, इसको अगर मान लिया गया हो y = 2 तो log का यूज करके या फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं डिवाइड वाले रूट से, डिवाइड में बताया क्या थे dy / dx का क्या डिवाइड वाले रूट से, कि डिवाइड को छोड़ दिए मल्टीप्लाई का डेरिवेटिव ये तो बताया ना, या फिर x / gx तो gx को छोड़ दिए fx का डेरिवेटिव, फिर माइनस में fx को छोड़ दे gx का, इस तरीके से यानी डिवाइड वाले को पहले छोड़ दीजिए, 2x + 7 को छोड़ दीजिए, cos इनवर्स का डेरिवेटिव करिए तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस में 1 - 1 ओवर अंडर रूट में 1 - x स्क्वायर, जो भी यहां लिखा होगा उसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इस तरीके का cos इनवर्स का मान 1 माइनस 1 अपर अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर जो भी रहा हो, फिर उसके बाद x / 2 का डेरिवेटिव 1 / 2 हो जाए, फिर माइनस डिवाइड में माइनस लगता है, आप क्या मल्टीप्लाई वाले को छोड़ दें cos इनवर्स x / 2 को छोड़ दें, डिवाइड का डेरिवेटिव डिवाइड में अंडर रूट लगा, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1 अपर में होता है 1 अपर 2, जैसा भी अंडर रूट लिखा हो वैसे लिख देते हैं 2x + 7, फिर इसका अलग से 2x + 7 का डेरिवेटिव 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस में 7 का 0 लिख लिया ना, ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, होल डिवाइड में क्या बनता है, होल डिवाइड में जो भी लिखा हुआ उसका स्क्वायर होता है, तो 2x + 7 का अंडर रूट भी लगा स्क्वायर भी अंडर रूट हट जाए। अब देखिए स्टूडेंट इसी dy / dx का क्या वैल्यू बनेगा, यहां पे माइनस माइनस पहले लिख दीजिए माइनस में अंडर रूट में 2x + 7 हो गया माइनस, अब यहां पे डिवाइड में क्या बनेगा, ये डिवाइड यहां लिख दिया है तो क्या है 2, ये पहले 2 लिख दिए, फिर इसका एलसीएम ले लिया अंडर रूट में
4 माइनस x स्क्वायर और अंडर रूट के बाहर ये 4 हो जाएगा या सिर्फ बाहर करेंगे 2 हो जाएगा माइनस में यहां क्या बनेगा cos इनवर्स x 2 उसके भी डिवाइड में क्या अंडर रूट में 2x 7 होल डिवाइड में क्या है इन सब के भी डिवाइड में ये है 2x 7 ये इससे कैंसिल हो गया अब क्या हो जाएगा इसका एलसीएम इसको यहां ले लीजिए इसको यहां ठीक है इनका एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा ये रूट हट जाएगा यानी माइनस में 2x 7 हो जाएगा रूट हट जाएगा इसका यहां करेंगे मन पाए तो माइनस में क्या हो जाएगा रूट में 4 माइनस x स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x ओवर में क्या बनेगा ओवर में देखिए नीचे आ जाएगा यानी अंडर रूट में क्या बनेगा 4 माइनस x स्क्वायर ये बनेगा अंडर रूट में 4 माइनस x स्क्वायर और ये भी रहेगा और यहां यहां 1/2 पावर ये 1 पावर मिलकर हो जाएगा 2x 7 अलग-अलग लिख लीजिए ये इकट्ठा 3/2 पावर ये आपके dy ओवर dx का वैल्यू ठीक है ना इतना आप समझ जाएंगे ये दोनों आपस में डिवाइड होगा इससे 1 पावर यहां से 1/2 पावर 3/2 पावर ठीक है ना तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब स्टूडेंट देखिए इसका भी डेरिवेटिव करना है cot इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस sin x प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस sin x ओवर में अंडर रूट में 1 प्लस sin x माइनस अंडर रूट में 1 माइनस sin x इसका भी डेरिवेटिव करना है पूरा अंडर रूट तो अगर y इक्वल टू मान लिया गया इसको थोड़ा सा और साफ कर दें इसको लिख सकते हैं क्या cot इनवर्स को ये अंडर रूट में लिखा है अंडर रूट में वैसे है 1 प्लस sin x है ना तो इसको 1 को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ठीक है इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x 2 प्लस cos स्क्वायर x 2 ठीक है ऐसा लिख सकते हैं sin x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं लेकिन इसको देखते हुए ऐसा लिखते हैं अब इसको sin 2x को लिख सकते हैं प्लस में 2 sin x 2 into cos x 2 ये हो जाए ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ चुके हैं प्लस लगा दी फिर यहां पे अंडर रूट है इस 1 की जगह भी कोई चीज sin स्क्वायर x 2 प्लस में cos स्क्वायर x 2 माइनस में 2 sin x 2 इनटू cos x 2 ठीक है डिवाइड में क्या बनेगा इसी तरीके से यहां अंडर रूट में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x 2 प्लस में cos स्क्वायर x 2 प्लस 2 sin x 2 इनटू cos x 2 ये x है x 2 फिर माइनस से माइनस लगा दी अंडर रूट में क्या बनेगा यहां 1 की जगह फिर वही sin स्क्वायर x 2 प्लस में cos स्क्वायर x 2 माइनस से माइनस लगा दें 2 sin स्क्वायर x 2 इनटू cos स्क्वायर x 2 ठीक है ये हो जाए अब यहां से क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू cot इनवर्स है अब देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin x 2 इनटू cos x 2 ये हो जाएगा sin x 2 प्लस में cos x 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा प्लस में इसी तरीके से यहां माइनस और माइनस में अब cos x 2 माइनस sin x 2 का स्क्वायर दोनों होगा यानी यहां हो क्या जाएगा sin x 2 माइनस cos x 2 का स्क्वायर लगा दीजिए अंडर रूट अंडर रूट डिवाइड में इसी तरीके से यहां भी वही चीज है sin x 2 प्लस में cos x 2 का होल स्क्वायर भी है अंडर रूट भी है अंडर रूट लगा दीजिए प्लस में यहां भी अंडर रूट भी है ये फार्मूला हो जाएगा sin x 2 माइनस में cos x 2 का अब यहां देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे यहां पे देखिए sin x 2 माइनस cos x 2 का होल स्क्वायर या cos x 2 माइनस sin x 2 का होल स्क्वायर दोनों बनेगा ठीक है ना ये भी बनेगा यही पीस नहीं cos के टर्म में लाए तो भी सही है इसको ऐसा का लिख देंगे cos स्क्वायर x 2 माइनस में sin स्क्वायर x 2 तो भी ये भी सही है ठीक है इसको ये भी सही है दोनों का होगा वही चीज हम ऐसा सेट करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए एक बच्चे ऐसा हम सेट करेंगे ये कैंसिल हो जाए एक बच्चे अब इसको क्या लिख सकते हैं अब यहां पे है माइनस
ठीक है ना, यहां पे माइनस है। अब जब यहां माइनस है तो यहां भी इस तरीके सेट कर लीजिए, तो बनेगा क्या, यहां भी यहां जब ऐसा लिखे यहां भी वही चीज लिख लीजिए, दोनों सही है, जो इसके पहले लिखे थे वो भी सही था। यानी इसको लिख सकते हैं यहां cos स्क्वायर x / 2 माइनस में sin स्क्वायर x / 2 प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। अब बनेगा क्या यहां से cot इनवर्स, अब यहां रूट हट जाएगा, यानी sin x / 2 प्लस में cos x / 2 प्लस में cos x / 2 ये स्क्वायर नहीं रहेगा, होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये बचेगा माइनस में sin x / 2 होल डिवाइड में क्या बनेगा sin x / 2 प्लस में cos x / 2 माइनस करेंगे यार तो ये माइनस में हो जाएगा cos x / 2 और जो माइनस वाला है प्लस में हो जाएगा sin x / 2 ठीक है। ये sin x / 2 को sin x / 2 से कैंसिल, cos x / 2 cos x / 2 से कैंसिल, ये हो जाएगा cot इनवर्स क्या बनेगा 2 cos x / 2 2 cos x / 2 यहां क्या बनेगा 2 sin x / 2 2 ये से कैंसिल, ये हो जाएगा cot इनवर्स, cos / sin क्या होता है cot, cos / sin cot होता है x / 2 x / 2। अब आ गया होगा समझ में क्या, क्यों यहां पे cos x / 2 - sin x / 2 का होल स्क्वायर क्यों, हमको cot बुलाना, अगर sin x / 2 - cos x / 2 होता तो यहां भी sin x / 2 - cos x / 2 करते, ठीक है ना, ऐसा इसलिए सेट किए कि cot इनवर्स cot ही आए, क्योंकि ऐसा बताया cot इनवर्स cot को देख कैसे हो कर क्या बनेगा y का वैल्यू x / 2 तो डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो dy / x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 / 2 बार x का हो जाएगा x का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके बैक करके दो बार तीन बार चार बार आप लोग देख सकते हैं, बहुत समझ में समझाया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसमें एग्जांपल। अब देखिए स्टूडेंट्स सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी डेरिवेटिव भी करना है, तो यहां पे इसको y मान लो, जब फंक्शन के पावर फंक्शन है बिना लॉग के लगेगा नहीं, टेकिंग लॉग ऑफ साइड log y = log x के पावर में log x इस तरीके से, ठीक है, log तो दिया गया है टेकिंग लॉग ऑफ साइड से कर दीजिए, तो log y = इस पावर पहले हो जाएगा यानी log x फिर log इसके कारण एक log और भी है log x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देखिए दो दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का यूज कर लीजिए, log y का मान मान y dy / x इज इक्वल टू, अब दो फंक्शन है प्रोडक्ट रूल, log x को छोड़ दिए, सेकंड log के कारण डेरिवेटिव 1 होगा log x, इस log के कारण 1 अपॉन और फिर इस log के कारण 1 अपॉन x, ठीक है, एक बार इस log के कारण 1 अपॉन log x ये पूरा, फिर इसके कारण 1 अपॉन x, फिर प्लस लगा देंगे, इस log log x को छोड़ दिए, log log x को छोड़ दिए, अब क्या बनेगा इस लाग के कारण क्या हो जाएगा कि ये आप पूरा छोड़ दिए, इस लाग के कारण वहां पर x वहां पर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे बनेगा क्या, देखिए लाग x से लाग x कैंसिल, 1 अपॉन x प्लस लाग लाग x ठीक ओवर x, और यहां पे अगर dy ओवर dx का वैल्यू निकालें तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहां से y का अगर वैल्यू रख लें लाग x के पावर में log x ये हो गया, यहां से x कॉमन है x ले लें 1 upon log log x, ठीक है ना, ये है आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप में है, क्या यहां भी y x मान लीजिए, ये तो इजी है ना, आप लोग इसको स्वयं लगा ले जाएंगे, उसको लगाएंगे नहीं, कैसे लगाएंगे देखिए, cos को ये cos का डेरिवेटिव फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव आप लोग स्वयं से लगाएंगे, क्या एक लाइन लिखी थी dy / dx = cos के कारण माइनस में sin जो भी स्टेप है a cos x प्लस में b sin x हो जाए, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां से देखिए a को छोड़ दीजिए, cos का क्या हो जाएगा माइनस में sin x लिखिए, प्लस में b को छोड़ दीजिए, sin का क्या हो जाएगा cos x, ये आप लोग मल्टीप्लाई अपना कॉमन कॉमन मल्टीप्लाई लेंगे, ठीक है आ जाएगा समझ, नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए नाइन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी डेरिवेटिव है, तो यहां से इसको मान लीजिए अगर y तो ये भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग ऑफ साइड
लॉग वाई की उल्टी क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के पावर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लॉग वाई ऐसे रहने दीजिए, लॉग के एम्पर के पावर एन का फॉर्मूला पावर पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जो भी लॉग फंक्शन के पावर फंक्शन में होगा बिना लॉग का नहीं लगेगा, ठीक है ना, आप लोग जान ही रहे हैं बिना लॉग के नहीं लगाया जा सकता जो फंक्शन के पावर फंक्शन, इसलिए लॉग का यूज कर लिए। अब लॉग जब पावर एन है पावर पहले हो जाएगा, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पहले हो जाएगा, फिर ये लिख लीजिए लॉग में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहां से देखिए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, दो दो फंक्शन बन रहा प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन कर रहे हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए 1 अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू, देखिए पहले फंक्शन को अगर छोड़ दे रहे हैं तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, लॉग है लॉग के कारण 1 अपॉन हो जाएगा, तो 1 अपॉन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से sin x - cos x जो भी स्टेप है पूरा फंक्शन डिवाइड में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे में लॉग है लॉग के कारण डेरिवेटिव 1 अपॉन, फिर लॉग के अंदर कोई फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव कर लीजिए, क्या इसके अंदर फंक्शन साइन है, साइन के कारण cos x हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दी, अब cos के कारण क्या होता है माइनस में sin x, तो माइनस पहले से sin x हो जाएगा, आया समझ में, आ गया होगा, देखिए sin का cos x और cos का माइनस में sin x, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, फिर x का भी डेरिवेटिव होकर x के सापेक्ष 1 हो जाता है इसलिए नहीं, ठीक है ना। अब यहां पे प्लस लगा दीजिए, अब दूसरे फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे फंक्शन में क्या निकल गया log sin x - cos x को छोड़ दीजिए, अब यहां पे इसका डेरिवेटिव करिए, यहां इसका डेरिवेटिव अब यहां नहीं जगह होने के कारण उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना इसके नीचे लिख देना है मल्टीप्लाई में ही है, देखिए क्या बनेगा sin के कारण क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस माइनस लगा दी, फिर cos के कारण माइनस में sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में sin x हो जाएगा। अब यहां पे देख रहे हैं जो चीज यहां वही चीज यहां भी कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, देखिए dy / dx का क्या वैल्यू होगा, ये y इसको मल्टीप्लाई में देंगे y हो जाएगा, यहां बचा क्या, देखिए बच रहा क्या cos x प्लस में sin x बचा, फिर प्लस में ये बच रहा log sin x - cos x, फिर इसके बाद यहां पे क्या है cos x प्लस में sin x, ये अब यहां पे देख रहे हैं कि दोनों में cos x प्लस sin x, यहां भी कॉमन ले लें और y का वैल्यू लिख लें, y का वैल्यू क्या है sin x - cos x के पावर में क्या है sin x - cos x, ये y का वैल्यू रख लिए और क्या दोनों कॉमन भी दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए क्या चीज cos x प्लस sin x का कॉमन ले, तो बचेगा क्या यहां वन बचेगा 1 प्लस log में sin x - cos, ठीक है ना, y का वैल्यू रख लिए cos x प्लस sin x कॉमन ले लिए, यहां वन बचेगा ये पूरा स्टेप ये इसका आंसर। अब इसी तरीके से देखिए ये क्वेश्चन जो टेन दिया गया खुद आप लोग लगाएंगे, ये सब डाइट हो जाएगा a के पावर a, या उसको भी देख लीजिए छोटा सा क्या y इक्वल टू मान ले x के पावर x प्लस a के x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a, यहां देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन है इसको अलग मानना पड़ेगा, इसको अलग मानना पड़ेगा, तो यहां पे अगर मान लीजिए लेट x के पावर x इक्वल टू y1 और यहां से ये है x के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a इक्वल टू y1 मान लीजिए, तो y इक्वल टू हो क्या जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा, हमको चाहिए dy ओवर dx का वैल्यू चाहिए, तो y1 का डेरिवेटिव यानी dy1 ओवर dx चाहिए ये लिख दिए, प्लस में dy2 ओवर dx चाहिए, ये हमारा आंसर होगा, ये हमको वैल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले जो ये माना गया इसका डेरिवेटिव कर लें, इसका डेरिवेटिव क्या है ये जो y1 है इसका डेरिवेटिव तो होगा नहीं क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन है, इसको लॉग ले लें इसमें तो log y1 क्या बनेगा log y1 इक्वल टू log में x के पावर x हो जाएगा, यही log लिए ठीक है, उस क्वेश्चन को नहीं नोट करें आपको समझिएगा, यही डायरेक्ट log ले ले रहे हैं आप, तो इक्वेशन मान करके सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट टेकिंग log हो जाए हम डायरेक्ट लगा देंगे, यहां पे देखिए ये हो जाएगा log y1 इक्वल टू पावर पहले x log x हो जाएगा, अब यहां पे इसका डेरिवेटिव 1 / y1 dy1 / dx हो जाएगा इक्वल टू
x को छोड़ दीजिए log x का 1 ऊपर x हो जाएगा प्लस में log x को छोड़ दीजिए x का 1 a से कैंसिल हो जाएगा dy1 ऊपर dx का वैल्यू क्या बनेगा dy1 ऊपर dy x = y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा बचेगा 1 प्लस log x ये हो जाएगा। अब यहां y1 का अगर वैल्यू देखिए y1 का वैल्यू है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x है ये y1 का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से अगर y2 का डेरिवेटिव ही डायरेक्ट हम कर दें अगर y2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy2 ओवर dx इज इक्वल टू x की पावर a का क्या होता पावर पहले पावर में से एक माइनस यानी कि आ जाएगा x की पावर a माइनस 1 हो जाएगा a की पावर x है a की पावर x log a हो जाएगा और a की पावर a का 0 हो जाएगा ठीक है। इन दोनों को इसमें रख लें तो ये डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx का वैल्यू क्या बनेगा dy ओवर dx का वैल्यू क्या dy1 ओवर dx और dy2 ओवर dx या y2 इन दोनों को तो यहां पे आया क्या है x के पावर x 1 प्लस log x और प्लस करना है यहां से आ रहा प्लस करना है क्या a x के पावर a माइनस 1 प्लस a के पावर x log a ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब बाकी जो 11 क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे 11 में भी क्या है अगर y मान लिया गया y इक्वल टू x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 है प्लस में x माइनस 3 का पावर में x स्क्वायर ये है ना तो यहां भी इसको मान लीजिए लेट y1 इक्वल टू x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 है और y2 इक्वल टू x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर। अब यहां भी लाग टेबल लाग बोथ साइड इस टाइप का क्वेश्चन ही इसके पहले एक्सरसाइज में इसमें पर जैसे ये लगाएंगे ठीक है ना इसको अलग मानकर इसको अलग मानकर दोनों को लाग लेकर अलग अलग सॉल्व करेंगे ठीक है ना सेम इसी तरीके से इसका भी। अब यहां पे बनेगा क्या देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा यहां से अगर हम डेरिवेटिव करें dy ओवर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dy1 ओवर dx बनेगा प्लस में dy2 ओवर dx बनेगा आंसर आएगा। अब ऐसा आंसर आना है उनको तो इसका टेकिंग लॉग बोथ साइड करके इसका डेरिवेटिव कर लेंगे इसका भी डेरिवेटिव कर लेंगे ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में बस इतने अगले अगले लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन यानी 12 से क्वेश्चन बताएंगे ठीक है ना नोट कर लीजिए ऐसे सर्टिफिकेट।